दिस इज मी सुमित एंड आप देख रहे हैं सुमित टेक्नो। जैसे कि आज बात करने वाला हूँ इस वीडियो में मैं ओटीजी केबल के बारे में। तो जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे सामने एक ओटीजी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ओटीजी है। तो आज ये वीडियो में बात करेंगे हम ओटीजी के बारे में, ओटीजी कुछ यूजर्स के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। तो बहुत दिन से मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ और बहुत लेट अपडेट आ रहा है आपकी वीडियो में, तो इसके लिए माफी चाहूंगा सभी लोगों से। तो ज़्यादा कुछ बिना बोल के इस वीडियो को चालू करते हैं। और जिन्होंने अभी तक अपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड साथ ही साथ नोटिफिकेशन का जो बेल आइकन है वो भी हिट कर दीजिएगा, ताकि हाँ जब भी कोई नया वीडियो बनाए आपके पास जल्दी से नोटिफिकेशन आ जाए और वीडियो को आप जल्दी से देख पाए। ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला तो आपको आता है जी मोबाइल के यूसेज जो है वो आता है यहाँ पे हमारे सामने वीवो मोबाइल है, जैसे कि UI 31 है, यहाँ पे आप देख सकते हैं वीवो मोबाइल है। तो इसमें हम ओटीजी केबल सपोर्ट नहीं है, बट इसमें सिर्फ आपको सिंपल दिखाते हैं कैसे आप यूज करते हैं ओटीजी केबल्स, सिंपल आप यूज कर पाते हैं एक मोबाइल पे। जैसे कि ये वीवो मोबाइल है और यहाँ पे हमारे पास ओटीजी केबल, और यहाँ पे देख सकते हैं आप यहाँ पे डायरेक्टली लगाते हैं ओटीजी, और आपके पास एक पेन ड्राइव भी होना जरूरी है ताकि आप यहाँ पे पेन ड्राइव भी शो कर सकते हैं, पेन ड्राइव या आप रीडर चेक कर सकते हैं। यहाँ पे डायरेक्टली रीडर लगा के चेक कर पाते हैं यहाँ पे, या बिना आप पेन ड्राइव यूज कर सकते हैं यहाँ पे लगा के। तो इसके लिए एक पेन ड्राइव की जरूरत है, बट अभी शो करने के लिए मेरे पास पेन ड्राइव है नहीं तो फिलहाल मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ, बट अभी पेन ड्राइव यूज कर सकते हैं यहाँ पे। ओके तो पहला ऑप्शन ये है, आप ओटीजी केबल के साथ अपना जो पेन ड्राइव है वो यूज कर पाते। ओके तो दूसरा आता है आपका सिंपली जो आता है वहां पे आप माउस यूज कर सकते हैं मोबाइल पे। ओके जो है वो आता है आपका माउस कैसे यूज कर पाएंगे ओटीजी केबल में। ओके तो जैसे कि देख पा रहे हैं आप यहाँ पे ओटीजी लगा हुआ है मोबाइल पे, और यहाँ पे हमारे पास एक माउस है, तो यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं इसे लगा के माउस डायरेक्टली। सिंपली जो आता है यहाँ पे, ओके तो यहाँ पे आपने माउस लगा दिया और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कनेक्शन आ गया, और जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे देख सकते हैं मोबाइल पे आप अच्छे से देख सकते हैं यहाँ पे जो है हमने स्क्रीन रीड कर माउस से, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं माउस से। और अगर आप यहाँ से यूज करेंगे तो यहाँ पे अगर SMS पे जाना है आपको, ओके तो SMS में गए और यहाँ पे आपको SMS जैसे कि व्हाट्सएप में जाते हैं। ओके तो इस तरह से आप कॉल कर सकते हो और यहाँ पे टाइप कर सकते हो देखिए। ओके तो इस तरह से आप देख सकते हैं एंड बैक कवर में जो है यहाँ पे आ सकते हैं मिडल पे। तो इस तरह से आप माउस भी यूज कर सकते हैं मोबाइल पे ना, जो ऑप्शन है यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह से बिठा के आप यूज कर सकते हैं माउस को, ताकि मोबाइल को अच्छे से फिट यहाँ पे रख के, और माउस को अच्छी तरह से रख के आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे माउस जो है यूज कर सकते हैं आप। तीसरा ऑप्शन जो आता है यहाँ पे आता है कीबोर्ड, तो आप कैसे कीबोर्ड यूज कर सकते हैं अपने मोबाइल पे डायरेक्टली ओटीजी केबल के साथ लगा के ओटीजी केबल। ओके तो यहाँ पे हमारे पास है मोबाइल, वीवो का मोबाइल है। ओके तो यहाँ पे हम इसको कीबोर्ड कनेक्ट करते हैं यहाँ पे, तो हो गया अभी कीबोर्ड कनेक्ट। ओके ओटीजी केबल यहाँ पे देख सकते हैं आप, और यहाँ पे हमारे पास कीबोर्ड कनेक्ट है। अभी हम जाते हैं व्हाट्सएप में और यहाँ पे कुछ इसको खोलते हैं इस तरह से, एंड देख सकते हैं यहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ कीबोर्ड में, जैसे कि अब देख पा रहे कीबोर्ड यहाँ पे है, तो इसको हटा देते हैं फिर से हम दिखाते हैं। यहाँ पे हमारे पास कीबोर्ड है, ओके देन और आपके यहाँ पे पास मोबाइल है, तो ऐसे जैसे कि हाँ ओके, तो जैसे कि हमने हम टाइप कर रहे हैं यहाँ पे और यहाँ पे लिख रहे हैं, तो आप एक कीबोर्ड लगा के ओटीजी केबल में स्पीड से टाइप कर सकते हैं यहाँ पे, एक इजीली आप ओटीजी केबल में केबल के जरिए कीबोर्ड लगा के टाइप कर सकते हैं डायरेक्टली। यहाँ पे देखिए कुछ भी लिखेंगे तो टाइप हो जाएगा आपका मोबाइल पे। ओके तो यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं कीबोर्ड लगा के डायरेक्टली। ओके एंड चौथा ऑप्शन जो आता है एक LED लाइट मिलता है, जो कि लैपटॉप के लिए मिलता है USB केबल के लिए, जैसे कि LED लाइट मिलता है। ओके तो मेरे पास अभी नहीं है, बट एक मिलता है लाइट, आप यूज कर सकते हैं ओटीजी केबल में डायरेक्टली लगा के, या यहाँ पे लैपटॉप पे भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे लैपटॉप का जो केबल रहता है ओके, यहाँ पे लगा के आप डायरेक्टली लाइट यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप मोबाइल पे भी यूज कर सकते हैं। मैं ओटीजी की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे आप ओटीजी में वो लाइट यूज कर सकते हैं, यहाँ पे केबल पे लगा के। ओके
और पांच बार जो ऑप्शन है बहुत सीधे सीधे ऑप्शन है। आप अगर आपके पास अगर एक्सटर्नल हार्ड डिस्क हो, ओके, जैसे कि ये मेरा एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है, मैं दिखाता हूँ आपको, ओके, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी यूज कर सकते हैं आप। ये देख सकते हैं आप, मेरे पास एक 500 GB का एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है और यहाँ पे OTG, तो मैं इसमें भी यूज कर सकता हूँ ये, ओके, जो पासवर्ड ऑप्शन है ये मैं यूज कर सकता हूँ डायरेक्टली इसमें लगा के। अगर आप आपके पास कंप्यूटर नहीं है और मेमोरी फुल हो गया और आप यूज नहीं कर पा रहे पूरा, मतलब जो अभी फिल्म वगैरह आता है फुल SD रहता है, तो ज्यादा MB का होता है तो डायरेक्टली मोबाइल का जो मेमोरी होता है फुल हो जाता है, तो आप अगर एक्स्ट्रा रखना चाहते हो फिल्म वगैरह तो आप यूज कर सकते हो, आप एक्स्ट्रा हार्ड डिस्क लेके मोबाइल पे यूज कर सकते हो OTG के जरिए। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे OTG है और मैंने हार्ड डिस्क यहाँ पे लगा रहा हूँ, ओके, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया OTG और यहाँ पे देखिए यहाँ पे कनेक्शन आ गया और यहाँ पे आप देख सकते हैं ओके, तो आप हार्ड डिस्क भी लगा के यूज कर सकते हो, ओके, OTG में हार्ड डिस्क यूज कर सकते हैं। तो आज का था ये वीडियो OTG का, अगर आपको वीडियो, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड शेयर करिएगा एंड मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू, बाय बाय। एंड अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे, ओके, मिस यू गाइस। और यहाँ पे देखिए आप मैंने दिखाया था जो वो आ गया यहाँ पे यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पे मेरा फाइल है जो फाइल वगैरह है और यहाँ पे देख सकते हैं आप बहुत सारे डाटा से तो यूज कर पाएंगे आप। यहाँ पे देख सकते हैं मेरा OTG जो केबल लगाया था वो यहाँ पे शो हो गया, और तो यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, ओके, फोन स्टोरेज एंड SD कार्ड एंड जो OTG मैंने लगाया था हार्ड डिस्क देख सकते हैं यहाँ पे 372 का है, ओके, 372 अवेलेबल है, तो आप यूज कर पाएंगे OTG के जरिए, आपका जो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है वो भी यूज कर पाएंगे, ओके, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, प्लीज लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर भी, ओके, बाय, थैंक यू।